हूं द पॉडकास्ट शो में और आज हम अपने पॉडकास्ट शो में बात करने जा रहे हैं इस समय ह्यूमन राइट्स के एंगल से देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर, म्यांमार। म्यांमार में डेमोक्रेसी को हटाकर मिलिट्री रूल स्थापित करने का पूरा रोड प्लान रेडी हो चुका है। अगले एक साल तक देश में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। टीवी, रेडियो और इंटरनेट मिलिट्री द्वारा जब्त कर दिए गए हैं। प्रोटेस्ट के दौरान ये वो लोग हैं जो इस मूव के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जिनमें से 50 लोगों की पिछले कुछ हफ्तों में मौत हो चुकी है। 50 सरकारी आंकड़ा है। असलियत में जो लोग मरे हैं उनकी तादाद और भी ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ की पॉलिटिकली लोगों द्वारा इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर जिनका नाम ऑंग सैन सुई है, जिनको बीकन ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है पूरी दुनिया में, उनको उठाकर कमांडर इन चीफ ने जेल में बंद कर दिया और अब कंट्री है कमांडर इन चीफ के हाथों में। मगर सवाल ये भी उठता है कि क्यों भारत और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे बड़े देशों ने अब तक इसके ऊपर कोई बड़े कदम नहीं उठाए, क्यों इनको इंटरनेशनल मीडिया में इतना कवरेज नहीं मिल रहा है, क्यों लोग इस पर चुप हैं, क्यों एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की अगर बात करें तो वो सब इस चीज को इंटरनेशनल मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बताइए। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ऑन सैन सुई है वो बीकन ऑफ डेमोक्रेसी है, क्योंकि 1948 के बाद जब म्यांमार को इंडिपेंडेंस मिली तब 1948 के बाद जो था म्यांमार मिलिट्री रूल के अंडर ही रहा। लेकिन 1990 में ऑन सैन सुई जो है वो एक पॉलिटिकल शिफ्ट लाई म्यांमार में, और कुछ समय के लिए सही, लेकिन कुछ समय के लिए उनकी पार्टी पावर में आई ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर डेमोक्रेटिक शिफ्ट हुआ और फिर से मिलिट्री रूल वहाँ पे आ गया। लेकिन 2011 के बाद वहाँ पे फिर से जो है ऑंग सैन सुई अपनी एनएलडी पार्टी लेकर आई और उन्होंने वहाँ पे 2011 से लेके 2019 यानी कि दो टर्म तक उन्होंने वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट ऑपरेट करी 9 साल तक। लेकिन 2020 में जो इलेक्शन हुआ है जिसमें कि उन्होंने भारी बहुमत से 80% ऑफ द वोट्स उनके थे, मतलब पूर्ण बहुमत से अभी 2020 में अक्टूबर में नवंबर में इलेक्शंस हुए उसमें जीती हैं, उनमें जीती हैं। लेकिन जैसे जब पार्लियामेंट सेशन उनका स्टार्ट होने वाला था उससे पहले 1 फरवरी को ये कू जो है वो उन्होंने कमांडर इन चीफ ने प्लान करा और जो ऑंग सैन सुई है उनको जेल में डाल दिया। अच्छा, तो मतलब बेसिकली 1948-50s के आसपास देश आजाद हुआ, 1990 तक तानाशाही चली, मिलिट्री रूल चला, दोबारा डेमोक्रेसी आई, फिर डेमोक्रेसी हटा दी गई, फिर ऑंग सैन सुई को जेल में डाल दिया था, ये वही टाइम था। उसके बाद 2011 में फिर डेमोक्रेसी आई, जब फिर ऑंग सैन सुई को जेल से बाहर निकाला गया, उनको जिताया गया देश की जनता द्वारा। यहाँ पर एक बात आपको मेंशन कर दे कि देश की जनता जो है वो ऑंग सैन सुई से बहुत प्यार करती है, इसीलिए उन्हीं को जिताती है हर बार। लेकिन एक चीज मेंशन करने वाली है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो पाकिस्तान के एग्जाम्पल से, इस समय जो पाकिस्तान में पार्टी रूल कर रही है उसको पूरा सपोर्ट है पाकिस्तान की मिलिट्री का। बिल्कुल ऐसे ही जो इस समय म्यांमार की ऑपोजिशन पार्टी है यानी एनडीएलए है, ऑंग सैन की पार्टी, इनकी जो ऑपोजिशन है उसको मिलिट्री का सपोर्ट है। और 2011 में वो हारे, 2015 में फिर हारे, और अब 2019-20 में जब दोबारा ऑपोजिशन हार गई और ऑंग सैन सुई दोबारा से जीत गई पूर्ण बहुमत से, तो ये कदम उठाए गए क्योंकि जो यहाँ की कमांडर इन चीफ है उनके हाथ में काफी ज्यादा पावर है। आपने जैसे एग्जाम्पल सही दिया जो पाकिस्तान और म्यांमार, एक तरीके से देखा जाए तो दोनों जो है दोनों कंट्रीज में एक तरीके की रूलिंग है, दोनों में प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, पूरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन देखा जाए तो एक्चुअल कंट्रोल जो है वो मिलिट्री का। पाकिस्तान में पीएलए है, म्यांमार में नहीं। लेकिन अगर इसकी बात करें जो हमारा म्यांमार है, तो म्यांमार में तो 2011 के बाद से तो डेमोक्रेसी बिल्कुल सही, मतलब काफी स्टेबल डेमोक्रेसी चल रही थी। क्या तब भी इतना ज्यादा इंटरफेरेंस था मिलिट्री का? जो म्यांमार के कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये लिखा है कि जो 25% ऑफ सीट्स जो है वो जो मिलिट्री के पर्सनल्स को मिलेगी। अच्छा, मतलब 25% सीट ये पार्टी में, किसी पॉलिटिकल पार्टी में या फिर पार्लियामेंट में तो उन्हें 25% सीट्स मिलेगी। लेकिन अभी जो अगर हम देखें 2020 में काफी जो सिनेरियो बदला है, एक तो जो है जो कमांडर इन चीफ थे उन्होंने वो 60 इयर्स के हो चुके थे, वो रिटायर होने वाले थे, लेकिन उन्होंने फिर अपना टर्म बढ़ा लिया वो 65 तक उन्होंने फिर वो कमांडर इन चीफ रहे। लेकिन अब 65 के बाद फिर अगर
वो उन्होंने अगर वो अब हट जाते तो उनके खिलाफ काफी प्रोसीडिंग्स भी चल सकती थी, क्योंकि रोहिंग्या मुस्लिम्स का जो केस हुआ था, क्या हुआ 2017 में, जो रोहिंग्या मुस्लिम्स जो है उनको मास एग्जीक्यूशन हुआ था उनका म्यांमार, और कई लोग जो रोहिंग्या मुस्लिम्स है वो करीब 7 लाख मुस्लिम रोहिंग्या मुस्लिम्स वो म्यांमार से छोड़ के और देशों में भी देशों में गए थे, तो यहीं से ही सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। तो उनको डर था कि उनके खिलाफ शायद केस ना हो जाए, उनको जेल में ना डाल दिया, रिटर्न्स बढ़ा दिया, तो वो अपना, तो एक्चुअली में म्यांमार का जो है, अब म्यांमार में अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो 1948 से 1990 तक मिलिट्री ने रूल किया, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्रूशियल टाइम था जब म्यांमार का कॉन्स्टिट्यूशन, इनका पार्लियामेंट, हर चीज ऑन पेपर आ रही थी। तब मिलिट्री ने अपने आप को इतनी पावर्स दी हैं कि अगर अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर देता है कमांडर इन चीफ को कि वो जब चाहे तब रूलिंग पार्टी को हटाकर खुद का शासन घोषित कर सकते हैं। तो यानी कि जो म्यांमार में सब कुछ हो रहा है वो ऑन पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो ठीक है, मगर प्रैक्टिकली ह्यूमन राइट्स, और देखें बीइंग अ डेमोक्रेटिक स्टेट हम देखें कंट्री इंडिया के तौर पर देखें तो ये गलत हो रहा है। मगर अगला सवाल ये आता है कि क्यों इंडिया के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स और जो बड़े बड़े एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जिनकी बात से एक्चुअली में चीजें वायरल होती, चीजें ट्रेंड होती हैं, वो इस पे क्यों नहीं कुछ बोल रहे? जैसे इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो अब दो टाइप के हैं, एक तो एक तरफ अपना यूएसए और इंडिया हो गया, उनका अलग स्टैंड है, और एक तरफ चाइना और रशिया हो गया जिनका अलग स्टैंड, और कंट्रीज अलग होगी, और चाइना रशिया जैसे हमेशा स्टैंड अलग ही अलग ही रहता है, पहले भी आप देख लीजिए कोरोना वायरस या किसी उसमें अलग रहता है, अलग रहता है। तो इंडिया और यूएसए का तो ये कहना है कि जैसे इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो अगर म्यांमार में डेमोक्रेसी ही रहे, उनको दोबारा से डेमोक्रेसी चाहिए इंडिया को, उनका इंडिया का स्टैंड ये है। लेकिन वहीं अगर चाइना और रशिया को देखा जाए तो उन्होंने जो रेजोल्यूशन पास हुआ था सिक्योरिटी काउंसिल में उसको भी रिजेक्ट कर दिया और उसको भी वीटो कर दिया चाइना भी ऐसी तरह गवर्नमेंट चला रही है, और कि वहां पे एक तरीके से डिक्टेटर है, वो मिलिट्री हेड है, चाइना पूरी कंट्री चला रहे हैं। चाइना को पसंद है कि एक मिलिट्री हेड हो और जिसको वो अपना कंट्रोल कर सके एक तरीके से, क्योंकि बाउंड्री भी उनकी शेयर है, तो चाइना चाहती है कि म्यांमार में उसका कंट्रोल हो। और अगर आपने बाउंड्री की बात की है तो एक बात बता दें कि इंडिया अपनी सबसे ज्यादा बाउंड्री जो है 1600 जो किलोमीटर जो बाउंड्री है वो इंडिया जो म्यांमार के साथ है वो शेयर करता है, तो इस वजह से जो है इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस जो है वो होने जरूरी है, क्योंकि जैसे देखा जाए अगर इंडो पैसिफिक कंट्रीज हो गई जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो अगर इंडिया को उनके साथ रिलेशंस जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट और बाकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशन बढ़ाए रखने हैं तो म्यांमार के साथ भी उनको जो अपने रिलेशंस करने पड़ेंगे, मतलब बेसिकली नेबरिंग कंट्री ही है तो उनके साथ हमारे इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा सी पोर्ट्स का और ज्यादा सारा खेल हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज और है कि अगर लेटली इफ यू सी नेपाल, यू सी श्रीलंका, यू सी बांग्लादेश, ये सब चाइना के इन्फ्लुएंस में धीरे 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 काफी ज्यादा आ चुके हैं, तो इंडिया के लिए अब एक प्रॉब्लम बनती जा रही है चीजें चाइना का। और अब नेपाल, अगर म्यांमार में भी कमांडर इन चीफ आ जाते हैं तो वो भी बिल्कुल 100% जुड़ जाएगा चाइना से, जुड़ जाएगा, मतलब हमारा ये मतलब नहीं है कि कंट्रीज एक हो जाएंगी, इट्स जस्ट कि वो फिर जो फेवरिज्म है, फेवरेटिज्म है, वो चाइना के साथ दिखाने लगेगा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इंडिया के लिए, स्पेशली प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि चाइना यही चाह रही है कि वो इंडिया को सर हर तरीके से घेर ले, क्योंकि पहले श्रीलंका कंट्रोल, फिर नेपाल पे कंट्रोल, फिर पाकिस्तान पे तो कंट्रोल है ही है, और अब म्यांमार, तो एक तरीके से वो पूरी अपनी चेन बन रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आपको बताना चाहते हैं, आपके मन में जरूर क्वेश्चन होगा कि क्यों इंडिया में कोई भी बड़ा पॉलिटिकल लीडर या नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह, कोई भी क्यों नहीं इसके बारे में खुल के बोल रहा है? तो इसका रीजन ये है कि एक तो इंडिया में जो उस समय बजट भी आया था, बजट आया था तो एक इतना बड़ा मीडिया को बजट का ज्यादा जो है वो मिलने लगा, रादर एक इंटरनल प्रॉब्लम, दोनों ही चीजें 1-2 फरवरी को हुई थी। एक्चुअली में क्या है कि सपोजेडली
मैं एक केस बताता हूँ कि इंडिया के रिलेशंस हमेशा से ही कमांडर इन चीफ के साथ अच्छे रहे हैं म्यांमार के, यानी कि अब 1948 के बाद से देश कमांडर इन चीफ के अंडर रहा। तो इंडिया से रिलेशंस जब बनाने थे, हमेशा इंटरेक्शन जो हुआ हमारा, कूटनीतिक, डिप्लोमैट, ये फॉरेन रिलेशन पॉलिसीज जो बनी, हर चीज में इन्वॉल्वमेंट जो था म्यांमार के, वो कमांडर इन चीफ का था, क्योंकि वहां पर तब मिलिट्री शासन था, डेमोक्रेसी वहां पर 1990 में आके फिर चली गई थी कुछ ही टाइम के बाद। वहां के जो आर्मी इन चीफ है वो मिंग ऑन जो है, जो अभी कमांडर इन चीफ है, ओवरथ्रो करा है, वो कई बार इंडिया भी आए, अपने कई बार आए, उनके साथ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा है, और हमारे जो आर्मी चीफ है उनसे भी वो कई मिले हैं एक बार। तो देखा जाए तो इंडिया का जो रिलेशन रहा है, जब डेमोक्रेसी नहीं भी थी म्यांमार में, तब भी इंडिया के रिलेशन रहा है उनके साथ है। इंडिया की पॉलिसी जो रही है कि लुक ईस्ट पॉलिसी, और सबसे ईस्ट देखा जाए तो पहले म्यांमार आता है। हाँ जी, तो इंडिया को उनके साथ रिलेशन बना के रखने पड़े। तो यही वजह है कि अब एक तरीके से देखें, बीइंग अ स्टेट, हमको इस समय फॉरेन रिलेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब अगर इंडिया कमांडर इन चीफ के फेवर में कुछ बोलते हैं, और आने वाले टाइम में अगर ये हट जाता है और स्टेट काउंसिलर ऑंग सैन सुई दोबारा से कमांड संभालती हैं म्यांमार की, तो फिर इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। और अगर इंडिया डेमोक्रेसी के हक में बोलते हैं, ऑंग सैन सुई के हक में बोलते हैं, और कमांडर इन चीफ ही यहाँ को कंट्रोल करते रहे, तो भी इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दोनों तरफ इंडिया को बहुत ही ज्यादा देख फूट के चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, इतना बड़ा डेमोक्रेसी है, तो अपना स्टैंड जो है क्लियर करना चाहिए इंडिया को। मतलब ये अब बहुत ही विडंबना है इंडिया के लिए, क्योंकि अब आप एक एज ए नेशन की, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी एक तरीके से अभी सैंक्शंस जारी किए हैं बहुत, जिससे 1 बिलियन से ज्यादा का नुकसान भी हुआ है। तो यूएसए एक सुपर पावर है, ठीक है, उनको कंट्रीज की नहीं, कंट्रीज को इस समय उनकी जरूरत है, ऐसा जो माइंडसेट है वैसा है यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों का, वहां के डिप्लोमैट्स का। तो उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि वी नीड डेमोक्रेसी, आनी चाहिए म्यांमार में, नहीं आई तो हम सैंक्शंस करेंगे, और उन्होंने किए भी। मगर इंडिया इस समय एक डेवलपिंग कंट्री है, एक, दूसरा म्यांमार इंडिया की नेबरिंग स्टेट है, तीसरा जो चाइना का इस समय प्रभाव बढ़ता जा रहा है नेबरिंग कंट्रीज पे, पाकिस्तान से शुरू हो जाइए, पाकिस्तान, नेपाल, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद अब म्यांमार, नीचे श्रीलंका, तो इंडिया को एक तरफ से घेरा जा रहा है। तो बहुत जरूरी है इंडिया का इस समय कुछ भी करने से पहले बहुत बार सोचना। तो ये सभी राय जो है वो डिप्लोमैट्स की भी, एक्सपर्ट्स की यही है कि इस समय इंडिया को चुप रहना चाहिए, कुछ कोई किसी भी मेजर लीडर को कुछ नहीं बोलना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको इस मुद्दे पे और ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारी इस वीडियो को जरूर देखें, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, इसमें आपको म्यांमार के बारे में हर चीज बता दी गई है। हर्षित गुलाटी, VFN News, एंड डेमोक्रेसी इज ब्यूटिफुल।